गांव की सिलाई में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये हमारा ब्लाउज का नाप है और ये हमारा कपड़ा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी मेरे भाई बहन मेरे इस चैनल पर नए हों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम ब्लाउज को इस तरह बीच में लॉक करके खोल लेंगे। खोलने के बाद हमें इस तरह रखना है। अब इसकी हम नाप करेंगे। तो हमें सबसे पहले चेस्ट का नाप करना होता है। तो चेस्ट हमारा देखिए यहाँ पर दूसरा भाग 20 इंच निकल कर आया है। ये 40 इंच का चेस्ट है। अब हम लंबाई की नाप करेंगे। मुड्ढे की सिलाई से लेकर नीचे तक की लंबाई हमारी 14 इंच है। अब हम पीछे के गला की नाप कर लेंगे। पीछे की गले की गहराई हमारी कितनी है, तो यहाँ से इस तरह हमारी 10 इंच है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हमें कंधे को नापना है। तो यहाँ पर देखिए कंधा हमारा 10.5 है, मान के चलिए 11 या फिर 10.5। और आगे का गला 6 इंच। अब हम पेट की गोलाई भी नाप लेते हैं, 16 इंच दूसरा भाग है, यानी कि पूरी पेट की गोलाई 32 इंच है। और बाजू इतनी लंबी इन्हें नहीं चाहिए, इन्होंने बोला था थोड़ी सी छोटी। कपड़े के ऊपर बाजू जितनी निकलेगी 5 इंच 4 इंच की हम निकाल देंगे। अब यहाँ से हम इस बेल्ट को भी नाप लेते हैं, जहाँ पे हमारे बेल्ट की कटिंग हुई थी। तो 11.5 इंच तैयारी है। तो अब चलते हैं हम इस कपड़े को पहले बिछा लेते हैं। अब कपड़े को हमने उल्टा कर लिया है। अब इसे हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी हम लंबाई नाप कर लेते हैं। तो हमारी लंबाई 14 इंच है, हमें तुरपन वाला बनाना है, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो यहाँ पर हमें लंबाई 15.5 इंच चाहिए। तो यहाँ पर 15 इंच हो गया है। 40 इंच चेस्ट है हमारा, तो 40 का दूसरा भाग 20 इंच, तो यहाँ पर 20 इंच। अब यहाँ से हम 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ तक कपड़ा हम काट कर निकाल लेंगे। अब इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे। हमारे आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला दोनों एक साथ कटिंग हो रहा है। अब हम चेस्ट की नाप करेंगे। तो चेस्ट हमारा 40 इंच का है, तो 40 का एक भाग हमें 10 इंच रखना है। अब यहाँ से हमारा कपड़ा 1.5 इंच एक्स्ट्रा बड़ा हुआ है। अब हम कंधे की नाप करेंगे। तो कंधा हमारा 10.5 पे इनका कंधा था, बनकर रेडी हुआ था। तो हमें 10.5 का दूसरा भाग लेना है, लेकिन हम 5 इंच पर ही कटिंग करेंगे। तो हम 5 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल को झुकाना है 6 इंच। अब यहाँ से हमें 1 इंच लेना है। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। अब इसको खोल लेते हैं पहले। अब ये हमारा कम वाला पीछे का पल्ला है और ज्यादा वाला आगे का पल्ला। अब हम पीछे वाले पल्ले में गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तैयारी हमारी 14 इंच है। तो यहाँ पर 14 इंच पर आपको निशान लगाना है।
अब इस लाइन को सीधी कर लेंगे। अब यहाँ पर कमर हमारा 32 इंच का था तो एक भाग हमारा 8 इंच आएगा और हमें 8.5 पर यहाँ पर कमर का निशान लगाना है, क्योंकि एक इंच हमें यहाँ बीच वाले सेंटर में जो हम प्लेट डालते हैं उसके लिए इस तरह से। अब हम गले की गहराई 10 इंच पर करेंगे तो आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे। अब मुड्ढे को हम 3 इंच रखेंगे, यहाँ पर 2 इंच है तो यहाँ पर हम 2.5 इंच रखेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे। अब यहां से हम गले का शेप दे देंगे। ये हमारी प्लेट वाला निशान था, ये हमारा फिटिंग और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा। तो यहां पर हमारे पीछे पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब ये हमारा आगे का पल्ला है, हम आगे पल्ले में कटिंग करेंगे। तो पीछे पल्ले की लंबाई सिलाई मार्जिन रखते हुए 15.5 इंच पर कटिंग हुआ है तो यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। आप 2 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, कपड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो आप अंदर की साइड मोड़कर तुरपाई कर देंगे। अब हम यहाँ पर मुड्ढे का निशान 3 इंच पर, ये मुड्ढा हमारा 3 इंच का होगा और यहाँ से हम आर्म होल में 1/2 इंच डाउन कर देंगे। अब हम गले को 6 इंच हमारा गला था तो 6.5 इंच पर गले की कटिंग करेंगे। अब बेल्ट की कटिंग तैयारी 11.5 इंच थी तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे सिलाई के लिए तो यहाँ पर हम 12.5 इंच पर कटिंग करेंगे। अब इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे। तो ये हमारा सीधा हो चुका है। अब यहां से हम 1 इंच ऊपर लेंगे, ये हमारा बेल्ट ब्लाउज के निशान बन गए हैं। अब इसमें हम टक्स के निशान भी लगा लेते हैं। तो चेस्ट हमारा 40 इंच का था तो एक भाग कटिंग हुआ है 10 इंच पर, 10 का हाफ 5 इंच तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान को लगाएंगे। बीच वाले प्लेट को हम यहाँ 11 इंच इसकी लंबाई और यहाँ गले के सेंटर से 2.5 इंच अब हम तीसरी प्लेट डाल देंगे। अब इसी तरह हम चौथी भी डाल देंगे। तो ये हमारे चारों प्लेटें बनकर रेडी हो गई हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे आगे पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। देखो, आपको उल्टा सीधा देख कर लेना है तो हमने कपड़े को उल्टा कर लिया है। अब इसे डबल फोल्ड करके एक बार फिर से हम फोल्ड कर देंगे। अब इसकी हम नाप करेंगे तो बाजू उनकी 6 इंच की थी तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। तो
8 इंच हम पूरा निकाल देंगे यहाँ पर। अब इसको यहाँ से सीधी कर लेंगे। अब यहाँ पर 8 इंच है तो यहाँ पर हाफ हमें लेना है 4 इंच। अब आर्म होल की कटिंग 6 इंच पर हुई थी तो यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ पर कपड़ा परफेक्ट है। अब हम इसके निशान लगा लेते हैं। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद हमें 1/2 इंच गहराई छांटना है। छांटने के बाद यहाँ पर हम गुड़ित का निशान लगा देंगे। तो ये हमारी बाजू कटकर कंप्लीट हो गई है। अब बचे हुए कपड़े से हम इसमें से काज पट्टी निकाल लेते हैं। एक काज पट्टी, एक बटन पट्टी। अब बाकी के कपड़े में से हम और भी पट्टी निकाल लेंगे। तो ये हमारी और भी पट्टी निकल गई है। तो ये हमारा पीछे का पल्ला है और ये हमारा आगे का पल्ला। और ये रही नीचे की तीरा बेल्ट पट्टी और ये रही बाजू की कटिंग। ये रही काज पट्टी, बटन पट्टी और ये और भी पट्टी। तो फ्रेंड्स, हमने ब्लाउज की सारे कटिंग आपको यहाँ पर करके अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर कटिंग आप लोगों को पसंद आया हो, 40 इंच चेस्ट की कटिंग हमने बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से आपको कटिंग करके समझाया है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।